नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार यानी एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन, जहां बिहार की खबरों से यानी बिहार के शिक्षा विभाग की खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, बीपीएससी शिक्षकों के लिए, तमाम शिक्षकों के लिए हम खबर लेकर आते हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए क्या बड़ी खबर आई है और जॉब के लिए क्या अलर्ट है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें कि पहली और दूसरी दिन ही ई शिक्षा कोष धड़ाम से गिर गया। सभी शिक्षक भागम भाग में दिखे, लाचार और विवश दिखे, बेचैन दिखे। सरकार भी यानी शिक्षा विभाग भी इसके पीछे लगातार शोध कर रहे। बता दें कि प्रथम दिन मात्र 80,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज। खैर, दूसरे दिन भी किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम तो किसी की कोई और प्रॉब्लम, यानी कि कह सकते हैं कि इस शिक्षा कोर्स में सुधार के लिए भी और समय चाहिए। ऐसे भी 3 माह के लिए या ट्रायल पर। आपको बता दें कि अब इस शिक्षा कोर्स पर ही हाजिरी शिक्षकों के बने। नेटवर्क का प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा रहेगा, वहीं लोकेशन भी काफी गड़बड़ दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर भी रहकर 500, 700, 1000 मीटर पर दूरियां दिखा रही है, प्रॉब्लम है। वहीं हम आपको बता दें कि मिशन नौकरी पर कार्रवाई अब तेज। 2,99,000 कर्मियों को 15 अगस्त को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। विभागों से मांगा पद स्वीकृत एवं रिक्तियों का ब्यौरा। रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन नौकरी के तहत 12 लाख को सरकारी नौकरी देने की अभियान तेज गति से चल रहा है। बता दें कि एक तरफ रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा की फाइल तेजी से आगे चल रही है, तो वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से स्वीकृत पद कार्यरत बल एवं रिक्तियों की सूचना जल्द देने को कहा है। वहीं नियमित नियुक्ति के लिए परपत्र ए और संविदा पर कार्यरत कर्मी व स्वीकृत पद की सूचना परपत्र बी में देने को कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 2,99,000 कर्मियों को 15 अगस्त को एक समारोह में नियुक्ति पत्र दिए जाने की बातें यानी कि दिए जाने की तैयारी तेज गति से चल रही है। वहीं अगली खबर हम बता दें, बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने नियम में किया संशोधन। 6 महीने में मैटरनिटी लीव से ले सकेंगी सरकारी कर्मी, यानी कि सरकारी महिला कर्मी कह सकते हैं किराए की को सरोगेसी के जरिए बच्चा होने की स्थिति में 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकेंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 50 साल पुराने नियम में संशोधन की घोषणा की है। अभी तक सरोगेसी मामले में महिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव को लेकर कोई नियम नहीं थे, लेकिन केंद्रीय सिविल सेवा यानी अवकाश नियमावली 1972 में किए गए बदलाव के अनुसार कमिश्नरिंग मदर कह सकते हैं सरोगेसी के जरिए जन्मे शिशु को पालने वाली माँ बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश ले सकती है। ऐसे मामले में कार्रवाई अब तेज हो रही है। वहीं अगली खबर बता दें कि टीआर 1 परीक्षा सितंबर अक्टूबर और टीआर 2 दिसंबर में, यानी कि एसएससी सीजीएल के 17,727 पदों पर भर्ती 24 जुलाई तक आवेदन का मौका दिया गया है। एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप बी के पदों असिस्टेंट सेक्टर अफसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल
एक्साइजर इंस्पेक्टर असिस्टेंट इंफॉर्मेट अफसर सब इंस्पेक्टर डाक इंस्पेक्टर नारकोटिक्स इंस्पेक्टर एक्सिक्यूटिव असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट इस तरह की भर्ती होगी और लगातार इस पर काम हो रहे हैं। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं, अब बिहार के शिक्षकों की खैर नहीं होगी जांच, झड़कम मचा हुआ है। आपको बताते चले कि लोक शिकायत में पहुंचा मामला, डीएम ने दिया जांच के आदेश। बिहार शरीफ डीएम ने जांच का आदेश दिया है। लोक शिकायत के 18 तो जनता दरबार के 17 मामले की हुई सुनवाई, शिक्षक बनाएंगे तो इस तरह से लोक शिकायत निवारण। बिहार शरीफ के तृतीय पीडीए के 18 मामलों की सुनवाई बीते सोमवार के हुई, तो अब फर्जी शिक्षक नहीं बच सकेंगे। वहीं स्कूलों में एमडीए में गर्म दूध देने की योजना फिलहाल टाल दी गई है, इसकी कोई सूचना नहीं है कि कब इसके शुरू किया जाएगा, लेकिन जुलाई महीने में इसे शुरू करने की बातें आई थी, लेकिन अब फिलहाल इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इधर मुजफ्फरपुर जिले में नियुक्त 77 शिक्षकों के सर्टिफिकेट पर संदेह आ गया है। बीपीएससी तैयारी 1 में जिले के यानी कि मुजफ्फरपुर जिले के प्रथम दृष्टिया में जांच के दौरान सर्टिफिकेट फर्जी होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा 1625 शिक्षकों ने आयोग की वेबसाइट पर जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वह अपठनीय है। डीपीओ स्थापना ने संबंधित शिक्षकों को 2 दिनों के अंदर संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल कॉपी वाटरमार्क सहित कॉपी और सत्यापित कॉपी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। इस तरह से बीपीएससी सवाल शिक्षकों पर भी लगातार गाज गिर रही है। वहीं शिक्षा विभाग की जांच में 11 शिक्षकों के सर्टिफिकेट में फ्रॉड यानी गोपालगंज की बात आई है कि यहां भी फर्जी की बातें आई है बीपीएससी शिक्षकों के लिए, तो यहां भी जांच चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पहले दिन 80,000 शिक्षकों की दर्ज हुई ऑनलाइन उपस्थिति, यानी कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 6 लाख शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का ट्रायल बीते मंगलवार से शुरू हो गया। मंगलवार और आज बुधवार को भी चला, लेकिन बहुत सारी खामियां नजर आई। 80,000 शिक्षकों ने प्रथम दिन अपनी उपस्थिति जैसे तैसे कर दर्ज कराई, अफातफी में दर्ज हुई है। फिलहाल इस पर ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के बीच में क्या कुछ संशोधन होता है देखने के लिए मिलता है। सरकारी विद्यालय के छात्रों की बनेगी ऑनलाइन उपस्थिति, अगर यह सक्सेसफुल हो गया तो विद्यार्थियों की भी हाजिरी जो है वह ऑनलाइन ही बनेगा। इधर हम आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को की भी ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाएगी, इस पर भी काम तेजी से चल रहा है। बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए स्कूलों को मिलेंगे टैब, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की मोबाइल ऐप से हाजिरी का ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दिन 80,000 प्रधानाध्यापक शिक्षक ट्रायल में शामिल हुए। 3 माह तक ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी दर्ज होगी उपस्थिति, ऑनलाइन भी बनाना है और ऑफलाइन भी बनाना है। बता दें कि किसी किसी को तो मैंने कह सकते हैं हाजिरी बन गई, मार्क इन हो गया, लेकिन मार्क आउट ही आज नहीं हो पाया। बेचारे बेचैन दिखे, 10 से 15 मिनट तक उलझे रहे, फिर उसके बाद लाचार और विवश होकर अपने घर वापस लौट गए। तो इस तरह के प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। इधर पहली से 8वीं कक्षा की मासिक परीक्षा शुरू हो गई है आज से, जिसमें बच्चे शामिल हो रहे हैं और यह मासिक परीक्षा 26 और 27 तक चलेगी। वहीं आपको बता दें पहले दिन 16% शिक्षक ही बना पाए ऐप से हाजिरी। कई जिलों की यह रिपोर्ट है कि सर्वर डाउन होने की समस्या आई। 5 लाख में 80,000 की हाजिरी ऐप से हुई है, यानी 6 लाख के करीब शिक्षक हैं और मात्र 80,000 की हाजिरी बनाई गई है। वहीं सरकारी विद्यालयों से जुड़े 17,000 आंगनवाड़ी केंद्र, आपको बता दें कि बिहार में सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों से 17,000 आंगनवाड़ी केंद्र जोड़े गए। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों से आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ने का कार्य पूरा करने का निर्देश जिलों को दिया है। आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में पूर्व प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए प्रारंभिक विद्यालयों से आंगनबाड़ी केंद्र जोड़े जा रहे हैं, पूरा हो चुका है आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रशिक्षण देने का कार्य। निदेशालय के मुताबिक विद्यालयों के परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के सशक्तिकरण हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों के सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, तो अब स्कूलों से जोड़ने का काम आंगनवाड़ी को हो रहा है। तो वहीं शैक्षणिक कैलेंडर पर तय होगी विश्वविद्यालयों की जवाबदेही। नामांकन परीक्षा का परीक्षा और परिणाम तय समय पर पूरा करने का दिया जाएगा प्रावधान। आपको बता दें कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में होगा संशोधन। राजभवन शैक्षणिक कैलेंडर पर सरकार की सहमति लेगा। शिक्षा विभाग इस पर प्रस्ताव बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। शिक्षा सेवा
के अधिकार बनने पर उप कुल सचिव बनेंगे, उप कुल सचिव। लापरवाही पर कुलपति और पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। तो यह बड़ा फैसला है। वहीं आधार के साथ इस शिक्षा कोष पर दर्ज होगी छात्रों की, बता दें कि आधार के साथ ई शिक्षा कोष पर दर्ज छात्रों को ही मिलेगा किट। ये पहली से बारहवीं तक के छात्रों को मिलना है किट, राज्य परियोजना निदेशक ने जारी किया है निर्देश। तो इस बार जब तक आधार से नहीं जुड़ेंगे आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। वहीं हाजिरी की निगरानी के लिए कोषांग गठित हो गया है जिलों में। बायोमेट्रिक से शिक्षकों की हाजिरी शुरू, समय पर विद्यालय आएंगे अब शिक्षक, यानी कि लेट लपीजी से आने वाले शिक्षकों पर विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ऑनलाइन बनाने की हाजिरी शुरू हो गई है। वहीं 296 स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे निलंबित मुजफ्फरपुर के, और आज से पहली से आठवीं कक्षा की मासिक परीक्षा की शुरुआत हो गई है। प्रधानाध्यापक परीक्षा के केंद्र की जानकारी अपलोड भी करेंगे, 29 जून को होगी। तो वहां पर 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा होनी है और 2 घंटा पहले पहुंचना है, 1 घंटा पहले ही इंटर बंद हो जाएगा, प्रवेश करना बंद कर दिया जाएगा। तो समय से शिक्षक पहुंचे और प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल हो। शिक्षकों से फिर मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट, मुजफ्फरपुर में जांच के घेरे में है और बीपीएससी शिक्षकों से फिर से जांच के लिए उनके प्रमाण पत्रों की मांग की जा रही है। वहीं शिक्षक स्कूल में लोकेशन बताता रहा 3 से 5 किलोमीटर दूर है। पहले दिन और दूसरे दिन भी यह स्थिति बरकरार रही, शिक्षक परेशान होते रहे। आपको बता दें कि ऐप से ऑनलाइन हाजिरी बनाने में उपस्थित शिक्षक भी हो गए अनुपस्थित। स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी हो गई शुरू, पहले दिन और दूसरे दिन इस तरह के दिक्कत। औरंगाबाद, गया, सिवान, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सभी जगहों में इस तरह के कमियां और परेशानियां बिल्कुल सामने दिखाई दी। वहीं शिक्षिका ने स्कूल हेडमास्टर पर यौन शोषण के प्रयास का लगाया आरोप है। यह मोतिहारी से खबर आई है। जांच के लिए डीपीओ ने 3 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है। तो यह बहुत बड़ा आरोप है। वहीं सर्वर डाउन, शिक्षकों की नहीं बन रही है हाजिरी, शिक्षक हो रहे हैं परेशान। तो परेशान शिक्षक क्यों हो रहे हैं, उन्हें समझनी चाहिए कि ट्रायल पर है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं पटना में सर्वाधिक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी होगी, सबसे ज्यादा यहाँ पर सीट है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।